वेलकम बैक। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो हमने डेटा टाइप डिस्कस कर ली। डिफरेंट डेटा टाइप्स थी हमारे पास, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, बूलियन एंड करेक्टर। ओके, चार। सो उसमें हम जो वेरिएबल यूज़ कर रहे थे वो वेरिएबल्स का कुछ नेम था, सो वो हमारे पास आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक है, सो गुड प्रैक्टिस क्या है और बैड प्रैक्टिस क्या है, सो उसको हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक इंटीजर लिया, ठीक है, उसको मैंने नेम दे दिया एक्स और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 60। ठीक है, एंड उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ एक्स को। ठीक है, एंड मैं एंड एल भी कर देता हूँ कि लाइन एंड हो जाए। मैं इसको रन करता हूँ, सो आप देख सकते हैं कि 60 मेरे पास प्रिंट हो चुका है। बट दिस इज़ नॉट द गुड प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखें, या जो हमारे पास आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, ये जो एक्स था ना, ये वेरिएबल था। ठीक है, ये आपके पास आइडेंटिफायर था बेसिकली। सो इस जो है ना, आपने प्रॉपर नेम यूज़ करना है। ठीक है, जिस तरह ये 60 है तो हमारे पास एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका नेम इस तरह होना चाहिए, सेकेंड, ठीक है, पर मिनट्स। सो दिस इज़ प्रॉपर, कि ये आपको आपको समझ आ रहा है कि ये जो आइडेंटिफायर है, इस आइडेंटिफायर का मतलब क्या है कि सेकंड्स पर मिनट, कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। सो दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ये हमारे पास अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, सेकंड चीज़ ये कि अब अगर आप कोई भी, जब भी आप कोई आइडेंटिफायर का नेम लिखते हैं, सो आइडेंटिफायर का जो नेम है वो इस तरह होगा। ठीक है, आपने एक हमेशा वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा, ठीक है, एंड फिर आप कुछ न्यू वर्ड लिखते हैं तो वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, एंड देन फिर आप न्यू कर कोई अनदर न्यू वर्ड्स लिखते हैं, जिस तरह के देखें सेकंड, ठीक है, ये स्मॉल से स्टार्ट हुआ, देन पर मिनट्स। सो पर एक न्यू वर्ड है तो मैंने पी कैपिटल लिखा, मिनट्स एक न्यू वर्ड है तो मैंने मिनट्स कैपिटल में लिखा, एंड देन मैंने इसको स्टार्ट किया। सो आइडेंटिफायर जो है वो कभी भी डॉलर साइन के साथ स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह लाइक ये डॉलर साइन मैंने, ठीक है, डॉलर इज इक्वल टू 20। ओके, सो ये आपको एरर दे रहा है कि नॉट यूज। सो हम डॉलर को यूज़ करते हैं एंड प्रिंट करते हैं, सो 20। सो आप डॉलर यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, आप डॉलर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अगेन नॉट अ प्रॉपर वे। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रॉपर वे कि आप आइडेंटिफायर को प्रॉपर नेम दें। ठीक है, आप उसको प्रॉपर नेम दें ताकि आपको याद रहे कि आपने उस वेरिएबल को कहाँ यूज़ किया था, आपने उस आइडेंटिफायर को कहाँ पर यूज़ किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफायर। या हम एक नदर लेते हैं, मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने इसको एस का नेम दे दिया, और स्ट्रिंग में मैं क्या कहता हूँ, नेम स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, जॉन विक। अब देखें, अगेन इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, ये एस, यहाँ पर मैंने सी आउट में एस लिखा, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं डाल, ओके, सेमी कॉलन हमने डाल दी। अब अगेन वही बात आ जाती है कि ये प्रॉपर नेम नहीं है। ठीक है, ये नेम है, एक यूज़र का नेम है, तो इसका जो आइडेंटिफायर का जो नेम होना चाहिए वो नेम होना चाहिए ना। ठीक है, कि ये आपको बताए कि ये किसी यूज़र का नेम है। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रॉपर अप्रोच, दिस इज़ अ प्रॉपर वे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये एक सिंगल नेम है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ लास्ट नेम। अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये लास्ट एक वर्ड है, ठीक है, और ये नेम। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि जब आप नया जो वर्ड है तो उसको अपने कैपिटल के साथ स्टार्ट करना है, सो दिस इज़ अ गुड अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट नेम कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट, ये स्मॉल से शुरू हुआ, फर्स्ट, ठीक है, ये एक वो है, एंड देन नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, अब मैं इसको क्या कहता हूँ, जॉन, ठीक है, एंड लास्ट नेम विक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम प्रिंट करता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट नेम,
फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने सेमी कॉलन नहीं डाला, सो सेमी कॉलन आपने डालना है। सो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट नेम, ये आइडेंटिफायर, सो ये प्रॉपर आइडेंटिफायर है, ये नेम को शो कर रहा है कि ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, जो आपके और लोग सेम कोड पे काम कर रहे होंगे उनको प्रॉपरली पता चल रहा होगा कि आप कैसे अपने आइडेंटिफायर्स को नेम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जिसमें हम स्पेस दे देते हैं, ठीक है। सो ये नेम के अंदर स्पेस देगा एंड यहाँ पर हम दोबारा इंसर्शन साइन डालते हैं, वहाँ पर हम अपना यहाँ पर लास्ट नेम हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। सो आप देख सकते हैं सी आउट, मैंने इंसर्शन साइन डाला, फर्स्ट नेम मैंने प्रिंट कर दिया, फिर मैंने नेम के बीच में स्पेस दी कि जॉन और विक के बीच में स्पेस आ जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर ये मैंने लास्ट नेम प्रिंट कर दिया। मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जॉन विक। सो सी, आपने आइडेंटिफायर को प्रॉपर नेम देना है। अगर आप प्रॉपर नेम नहीं देंगे तो आपको कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगे, फिर वो इजीली अंडरस्टैंडेबल कोड नहीं होता। जितना कॉम्प्लेक्स कोड होगा तो फिर उस उतनी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड आपने इसके साथ कॉमेंट ज़रूर ऐड करने होते हैं, जिस तरह ये, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके साथ लास्ट नेम। सो यहाँ पर ये आइडेंटिफायर जो है, इसका जो वेरिएबल का नेम है उससे भी शो हो रहा है आइडेंटिफायर के नेम से, ठीक है। बट यहाँ पर ये कमेंट्स भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।